हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय अनदर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर है वो कहाँ पे सेव करने चाहिए जो आपके ज़िंदगी भर काम आए, कभी भी आपके पास से डिलीट ना हो। आप मान लो आपका फ़ोन खो भी जाए तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर वापस आ सकते हैं। आप सोचते होंगे सिम के अंदर सेव करें, तो सिम भी कभी खो भी सकती है, टूट भी सकती है, फिर इधर उधर हो सकती है, फिर भी आप अपने फ़ोन नंबर वापस ला सकते हो, आपके पास ही रहेंगे हमेशा नंबर। ऐसे ही आज मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि आपका वो कॉन्टैक्ट नंबर है कहाँ पर सेव होना चाहिए। वो होना चाहिए आपका जीमेल में सेव। जीमेल में कैसे सेव करते हैं, अपने कॉन्टैक्ट डायलर पैड के अंदर कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में आ जाना है। दोस्तों, ट्रिक काम की है बहुत ही ज़्यादा, इसलिए वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में हम आ चुके हैं। डायलर पैड में आने के बाद ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड कॉन्टैक्ट सेटिंग। कॉन्टैक्ट सेटिंग आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा हुआ सेव लोकेशन। सेव लोकेशन में जितने भी आपकी जीमेल है, मान लो मेरे पास बहुत ज़्यादा जीमेल है, यदि आपके पास एक या दो जीमेल है तो इस जीमेल को सिलेक्ट कर लेना। आपकी यदि सिम पे सिलेक्ट है तो आपका फ़ोन पे सिलेक्ट होगा, तो आप फ़ोन से या तो सिम पे सिलेक्ट कर लेना या फिर जीमेल को सिलेक्ट कर लेना। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से अपने हैं जीमेल को, मतलब यहाँ पे जीमेल में सेव कर सकते हो नंबर। सिम की बजाय आप जीमेल में सेव करोगे तो बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा होने वाला है। मान लो आपकी सिम तो कभी टूट भी सकती है, इधर खो भी सकती है, आपका फ़ोन भी खो गया मान लो, बाई चांस ऐसा ना हो, लेकिन फ़ोन कभी भी खो सकता है, तो आप अपनी जीमेल डालकर अपने कॉन्टैक्ट वापस ला सकते हो। जो जो कॉन्टैक्ट आपका जीमेल के अंदर सेव हो सारे के सारे वापस आ जाएंगे। तो हमेशा आपको जीमेल के अंदर है सेव करना चाहिए। तो वहाँ पे शो कैसे करेगा कि हमारा जीमेल वाला जो डिस्प्ले पे दिखे, क्योंकि हमारा कई बार यहाँ पे कॉन्टैक्ट में दिखाता नहीं है, तो उसको देखेंगे कैसे। हम यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट सेटिंग के अंदर चले जाना है। कॉन्टैक्ट सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिला डिस्प्ले कॉन्टैक्ट्स। जिस जिस जीमेल में आपका नंबर सेव है उस जीमेल को या फिर सिम को सिलेक्ट कर लेना है, तो आपके डिस्प्ले पे सारे के सारे कॉन्टैक्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे यहाँ पे एक ही जीमेल के अंदर सेव, इसके अंदर तो ऐसी 2-3 डुप्लीकेट है इस जीमेल के अंदर। जिस जीमेल में जितने कॉन्टैक्ट है सारे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दिखा देगा, जैसे एक सिम में मेरे 248 कॉन्टैक्ट है। फ्रेंड, इस तरह से आप अपने हैं कॉन्टैक्ट नंबर जीमेल के अंदर सेव कर सकते हो, हमेशा आपके पास रहे। अगर आपको ये ट्रिक हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।